ये सारे के सारे मामलात में कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं होती। अगर कॉन्शियस पेरेंटिंग होती तो हजार ऐसे मौके बच्चे देता है आपको कि मुझे एक बड़ा साहबी बना दो। होता क्या, माँ बाप ना कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते। कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते तो नो इज योर फाइनेस्ट पॉसिबल आंसर, याद रखिएगा। सुस्त माँ का, काहिल माँ का, काहिल बाप का, सुस्त बाप का सबसे बेहतरीन प्लान होता है बच्चे को ना कर। क्योंकि बच्चा ताबेदारी में वो करेगा ही करेगा जिसका जवाब आया, तो क्योंकि हाँ करने के पीछे मेरा रिएक्शनरी फॉलो थ्रू रिक्वायर्ड है कि अब वो साथ चले, हाँ चले तो अब मुझे भी जाना पड़ेगा, ठीक है मैं ये कर लूं, हाँ कर ले तो अब मुझे सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो हाँ के पीछे मेरा एक रिएक्शनरी फॉलो थ्रू होता है, आई नीड टू फॉलो थ्रू इट विद सम एक्शन, राइट। तो उस सुस्ती में, उस काहली में भी हम 95% ना जितनी भी करते हैं ना, हम वो उस सुस्ती के पीछे करते हैं कि नहीं ये ना करो, ये ना करो, बस कर दो, ये छोड़ दो, सो जाओ, ठीक है। ये सारे के सारे मामलात में कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं होती। अगर कॉन्शियस पेरेंटिंग होती तो हजार ऐसे मौके बच्चे देता है आपको। बच्चा, एक बच्चा माँ को और बाप को कम अज कम 50,000 मौके, मैं कम ही बता रहा हूं, ये कोर्ट मत कीजिएगा, मैं कोई ऐसा फिगर नहीं जो रिसर्च में आया, मैं महावर्धन कह रहा हूं, 50,000 मौके दिन साल के देता ही देता है, साल में 50,000, कि मुझे एक बड़ा साहबी बना दो, मुझे लीडर बना दो दुनिया का।